कमीशन PMLN के अराकीन से गुजारिश करेगा कि वो भी जिस तरह उनकी नॉमिनेशन है इस कमीशन में तशरीफ़ लाए। आप जानते हैं कमेटी में उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लोग डाल लिए, हमसे मुशावरत तक नहीं की, हालांकि हमारी पार्टी के जो लोग उसमें आने चाहिए थे वो हमारी मुशावरत से आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जुनूबी पंजाब सूबे के क़याम की राह में जो भी रुकावट है उसे दूर करना चाहिए और जितना जल्द मुमकिन हो जुनूबी पंजाब सूबे को कायम करना चाहिए। जुनूबी पंजाब को भी अलग सूबा बनाना चाहते हैं हम, बहावलपुर के सूबे की बहाली चाहते हैं एज इट वाज इन 1950। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जासमीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये बात तो तय है कि पूरी दुनिया में सूबे बनाए जाते हैं और इस पर हमने काफ़ी लंबी डिबेट्स भी की हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वफाकी हुकूमत इस तरफ इशारा करती है पॉलिटिकल पार्टीज इस डिबेट में पड़ जाती हैं और उसके बाद अमूमन ये साइड ट्रैक हो जाती है और कोई ना कोई और मसला जो है वो आ जाता है। खैर, बहरहाल पिछले कुछ अरसे से तो वज़ीर आज़मों के आने जाने का ही मसला पड़ा रहा, लेकिन एक बार फिर अब जो कमीशन बनाया गया है इसकी तश्कील जो दी गई है इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शदीद एतराज़ हैं और शायद उनके कुछ एतराज़ात बिल्कुल जायज़ भी हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एक ख़त लिखा, ख़त लिख के उन्होंने पार्लियामेंट्री कमीशन को तश्कील दे दिया। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि इसमें 12 मेंबर्स होंगे जिसमें से के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी एक मेंबर है, मौलाना गफूर हैदरी साहब भी हैं, जमीयतुल्लमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के, ANP के हाजी अदील भी हैं, पीपल्स पार्टी के अपने ही काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, फिर काफ का एक मेंबर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 3 मेंबर्स हैं। अब ये 3 मेंबर्स उन्होंने किसने डाले, ये नाम किसने तजवीज़ किए, क्या किसी से मुशावरत की, सबसे पहली बात इस कमेटी के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्त इसकी सरबराही के लिए जो चेयरमैन मुंतखब किया गया है वो फरतुल्ला बाबर साहब हैं और सेनेटर फरतुल्ला बाबर साहब ने जो आज बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कोशिश करेंगे कि उनको भी मनाया जाए, लेकिन उनकी बुनियादी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों की ये है कि आपने एक कमीशन बना दिया है, कमीशन की आपने किसी से मशावरत नहीं की, यानी कि हुकूमत ने और उनके इत्तेहादियों ने, आपने खुद ही हमारे लोग नाम डाल दिए हैं और अच्छा अब 2 लोग जो और मजीद ऐड होंगे, टोटल 14 मेंबर्स पर ये मुश्तमिल होगा जो ये कमीशन है, वो 2 पंजाब असेंबली से होंगे, तो पंजाब असेंबली के स्पीकर ने जो नाम देने हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है एक हमारा और एक जो है वो तुम्हारा होगा। इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई, यहाँ तक कि धक्कम फेल हुई, एक दूसरे को मारा कूटा गया, सदर मुमलिकत के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई और गो जरदारी गो के नारे भी लगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो डिबेट करनी है, अगर सीरियस डिबेट करनी है, नेशनल लेवल पर डिबेट करनी है, तो फिर नेशनल लेवल के कमीशन की डिबेट पूरे मुल्क में होनी चाहिए। खाली पंजाब में क्या सूबों की ज़रूरत है? हज़ारा प्रोविंस की इतने अरसे से जो है वो तहरीक चल रही है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनका साथ भी दिया है, उसकी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से अभी तक कोई करारदाद नहीं आई, तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी शायद अपने इस इकदाम से ये चाहती है कि या तो तवज्जो हटाई जाए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन से पहले ये तासुर दे कि वो सूबे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि करारदाद सब ने मंजूर की। बहरहाल आज हम अपने 3 गेस्ट से बात करेंगे और पूछेंगे आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एतराजात को किस तरह दूर किया जा सकता है अगर हुकूमत वक्त जाते जाते पहले अपने इस टेन्योर में वाकई इंटरेस्टेड है कि वो सूबे मजीद मुल्क में बनाना चाहती है, सिर्फ पंजाब में नहीं, क्या दूसरे सूबों में मजीद सूबों की जरूरत नहीं है? ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ हमें ज्वाइन किया है
रशीद गोडेल साहब ने, मेंबर है नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है। हारून अख्तर खान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और फॉर्मर सेनेटर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाइक माइंडेड, जो कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट भी कर रही है। और मैं इसी तरह जाहिद खान साहब से भी बात करूंगी, उनका मौकिफ लेना भी बहुत जरूरी है। आप सब लोगों को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हारून साहब ये बताइएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन तो इसे कहा जा रहा है, लेकिन जो इस पे एतराजात उठाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, आप उसको किस तरह देखते हैं? ये कमीशन की जो लोग हैं, ये किसने नॉमिनेट किए हैं, एंड हाउ कम कि कोई मशावरत नहीं की गई फ्रॉम एन अदर वेरी सीनियर, एक बहुत बड़ी जमात जिसका पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है? जी जैस्मीन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए जैस्मीन, इसमें तो किसी को इतराज़ नहीं है कि पंजाब के सूबे साउथ पंजाब और भावलपुर के बारे में मेरा ख्याल है एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो चुका है जी पंजाब असेंबली में। तो इस बात को अभी एक इसके ऊपर एक बहस खड़ा करना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी सियासी गलती है, और इससे एक इल इंटेंट नज़र आता है। ये कैसे हो सकता है कि वो पार्टी जो इस वक्त पंजाब को मेजॉरिटी में रिप्रेजेंट करती है, वो पार्टी जिसने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास कराया है, उसके मशवरे के बगैर आपने एक नेशनल कमीशन बना दिया है? आप पहले उस पार्टी को बुला के उससे बात करें कि कमीशन का फॉर्मेट क्या होगा, उसके बाद जब फॉर्मेट डिसाइड हो जाएगा फिर आप मैंडेट दें। आपने यूनिलैटरली उसको पंजाब का मैंडेट दे दिया है। PMLN जो है और पूरा पाकिस्तान जो है वो बाकी सूबों में सूबों की बात भी करना चाहता है, हजारा की बात करना चाहता है, फाटे के सूबे की बात करना चाहता है। तो आपने यूनिलैटरली एक ऑर्डर के तहत एक कमीशन बना दिया और सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब को आपने नाराज कर दिया, इस प्रोसेस से बाहर कर दिया। और उसके बाद 14 में से 9 मेंबर जो आज अटेंड किया है, एक आपने चेयरमैन इलेक्ट कर लिया, और कल आप कह रहे हैं कि 9 out of 14 मेंबर जो हैं वो रूल्स बना देंगे जो 2/3 मेजोरिटी में नहीं होती। तो आप कहां चले जा रहे हैं? इससे लगता है कि आप बेसिकली सूबे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इससे सियासी गेन हासिल करने में इंटरेस्टेड है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या मौकिफ है? देखें, सूबाई पंजाब की, सदन पंजाब की तो आप लोग बात करते ही हैं, लेकिन आपने हज़ारा की ज़्यादा बात की, मतलब काफ़ी उसकी मूवमेंट को आपने सपोर्ट किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग और ANP के सीनियर जो लोग हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आपसे नाराज़गी जाहिर की, और वैसे भी उन्होंने कहा कि जी वो इसके हक में नहीं है। लेकिन यहाँ जब बात आई तो एक बड़ी पार्टी के बगैर मुशावरत किए एक कमीशन तरतीब दे दिया जाता है जिसमें 3 उनके लोग आप नॉमिनेट कर देते हैं बगैर उनसे पूछे हुए। ये एक आमराना सोच का मंजर नहीं पेश कर रही जमहूरियत? जैस्मीन, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सूबों की जो तहरीक शुरू हुई तो पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा फोरम है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सबसे पहले मुल्तान के जलसे के बाद, जब मुल्तान के जलसे में कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने कहा कि सूबों की तहरीक डालें, हज़ारा सूबे की या सराकी सूबे की या जनूबी पंजाब की या भावलपुर की, तो हमने तहरीक डाली। उसमें लिखा कि जनूबी पंजाब में एक या एक से ज़्यादा सूबे, और वो सूबे का नाम रखने का इख्तियार मुझे नहीं, वहाँ के लोगों का रेफरेंडम होना चाहिए। और हज़ारा सूबे की हमने तहरीक भी डाली, फाटा को हमने सपोर्ट किया। तो असम्बली के फ्लोर पर सब ने इत्तफाक किया कि कोई सराकी सूबे के हक में था, कोई भावलपुर का पुराना स्टेटस बहाल करना, तो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि भावलपुर पहले एक रियासत था, स्टेट थी। स्टेट नहीं बनानी, हमें सूबा बनाना है सूबा। इसके बाद जब सारी फ्लोर ऑफ द हाउस बातें होती रही, तकरीर होती रही, तो PMLN ने भी, लोगों ने भी तकरीर जो की उस बात को एडमिट किया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ मेंबरान ने ये कहा कि ये MQM ने क्यों किया है, इनका तो मैंडेट नहीं है। वो तो आज भी कह रहे हैं कि ये फारूक सत्तार को क्यों डाला, इनका मैंडेट ही नहीं है। तो लें, अगर मैंडेट की बात की जाती है तो MNA का मतलब क्या, मैं कानून साजी करूंगा सिर्फ कराची के लिए, कराची से MNA हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाहौर का MNA क्या लाहौर के लिए कानून साजी करेगा? पार्लियामेंट वो फोरम है जिसमें पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के मुतालिक जो भी बातें होती हैं,
18 करोड़ अवाम तो 10 साल से हम कहते हैं, मैं तो कहता हूँ 22-25 करोड़ अवाम है। उसके लिए मुतालिक जो भी बात होगी, चाहे उस सुबह सिंध में रहता हो, पख्तूनख्वा में रहता हो। एक सेकंड मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर लूँ। हमें दो और भी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मनीर अनवर राजा साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अहम रुकन है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जायद खान साहब सेक्रेटरी इतलात हैं, ANP के बहुत ही एक सीनियर सियासतदान हैं। आप लोगों को भी वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। देखें, मैं एक खाली छोटी सी एक मिसाल देने लगी हूँ। यहाँ फ़र्ज करें सिंध के हवाले से कोई बात होती है, कराची के हवाले से कोई बात होती है, आपके नाम डाल दिए जाते हैं आपकी मुशावरत के बगैर, आप क्या करेंगे? एक छोटा सा सवाल है प्लीज। मैं उस इख्तलाफ राय में नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ सबसे मुशावरत होनी चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए। अगर कौमी इशू है और वाकई हम सब सिंसियर हैं, टीवी टॉक शो में आके बोले कि सूबे होने चाहिए, ये होने चाहिए, और अंदर बैठ के हम उल्टा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जमातें हैं, मुल्क की जमातें, सारी जमातें, मुहब्बे वतन है सारी, मैं कौन होता हूँ उसमें डालने वाला कि भाई उसका शायद इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो सबको देखना है, मेरी पार्टी सबको कहती है कि आओ मिल के बैठ के पाकिस्तान के हवाले से कोई बात होती है, सारे इख्तलाफ अपने साइड में रख दें, और मुल्क की सलामती के लिए कोई बात होती है, मुल्क की तरक्की के लिए कोई बात होती है, मईशत की परवान के लिए कोई बात होती है, हम और आप उस नुकते पे। लेकिन इसमें मैं किस तरह यकीन, देखे ना जो तासर आप लोग आपने दिया है या हुकूमत ने दिया है, आपने फारूक सत्तार को नॉमिनेट किया था, आपकी पार्टी ने नाम दिया था, डेफिनेटली मुशावरत की होगी, डेफिनेटली की होगी ना, तो भाई उनसे नहीं की, वो क्या मतलब है आप पंजाब में सूबे बनाने जा रहे हैं और उनसे मुशावरत की नहीं की, नहीं की है तो होना चाहिए, ओके होना चाहिए। जायद खान साहब ये बताइएगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, वेलकम टू द शो। जायद साहब, आज उन्होंने सार साहब ने भी कहा है कि ये रियलिस्टिक सोच नहीं है, और मतलब है कि बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मशावरत के जो है इतना बड़ा कौमी कमीशन तश्कील दे दिया गया है, ये क्या मौकिफ से जो मुल्क के हालात हटाने के लिए ये बात हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नामों को खाली खुद ही नॉमिनेट कर देना, आप समझते हैं ये फेयर है, ये इट्स अ फेयर कमीशन? यसीन भी आपने पहले बात है कि मुझे उसको थोड़ा सा तारीख को भी मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि हजारा की तहरीक काफी अरसे से चला, तो हजारे की तहरीक आपके नॉलेज के लिए कि जब खैबर पख्तूनख्वा का नाम आया 1.5 साल हुए तो ये आवाज आई रिएक्शन में। जी पहले सॉरी माजरत के साथ, मेरा यही मतलब था कि मतलब पहले सदन पंजाब की, मुझे बिल्कुल अपनी बात मुकम्मल करने दी। जी एक तो यही बात है, दूसरी बात ये कि देखिए चौधरी निसार साहब बात करते हैं, अगर उससे मशावरत नहीं की कि उनके नाम लिया गया तो ये गलत है, क्योंकि हमसे तो पूछा तो हमने अपना नाम दे दिया कि भाई आप अपने पार्टी का नुमाइंदा दे दे, हमने अपना पार्टी का नुमाइंदा दे दिया, जैसे MPM ने भी अपना नाम दिया। लेकिन चौधरी साहब की ये बात मेरे ख्याल में, मेरे समझ से बाहर है कि वो कहते हैं कि जी इनका नहीं होना चाहिए उस कमीशन के अंदर। देखिए पंजाब का ब्लंडर उस वक्त इनसे हुआ कि जब उनने यूनानी करारदाद पास करवाई प्रोविंशियल असेंबली से, आईन आपका कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि आप डिलिमिटेशन प्रोविंस के करेंगे तो उस सूबे से, जिस सूबे के आप तकसीम करना चाहते हैं या उसकी सरहदात चेंज करना चाहते हो, उस असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से या यूनानी करारदाद पास करके भेजोगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर उसको भेजेगा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होगा, वो हाल होगा, क्योंकि इस वक्त एक ही प्रोविंस से ये करारदाद आई है, बाकी किसी और प्रोविंस से आई नहीं है। ख्वाहिशात बहुत सारे होंगे, हम तो किसी पे कदम नहीं लगाते हैं कि किसी का अपना इजहार राय करते हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन अभी तक किसी और सूबे से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए एक रास्ता तयन करता है, उस रास्ते के लिए अभी किसी और प्रोविंस से कोई भी रिजर्वेशन नहीं आया है। तो चूंकि ये जब पार्लियामेंट में बात आती है तो पार्लियामेंट, जिस तरह MPM के भाई ने बात की बिल्कुल सही की, अगर हम पार्लियामेंट में बैठे हैं आप हमसे वोट मांग रहे कि जी आप वोट दे दे क्योंकि हमने ये सुबह बनाना है, और आप हम मशावरत में हमें नहीं बिठाएंगे तो फिर हम आपको कैसे वोट देंगे, आप बताए तो सही। ठीक है, अगर हमारे पंजाब में नुमाइंदगी, जब पंजाब में आप करारदाद पास कर रहे थे तो हमने कुछ भी नहीं किया उसमें, हमारा उसमें कोई काम भी नहीं था क्योंकि हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, नुमाइंदगी आप लोग तो लोगों की थी, जिस वक्त आप लोग करारदाद पेश कर रहे थे या पास कर रहे थे ये वहां डिबेट आप लोगों का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जब निचली असेंबली में आते हैं, जब सीनेट में आते हैं तो फिर हमारी नुमाइंदगी वहां है और हमारी वोट की जरूरत है आपको, आपको जब अमेंडमेंट आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल अमेंडमेंट के लिए हमारी जरूरत आपको होगी, इसलिए हमारे उस कमेटी में होना जरूरी है। अगर हाँ आप नहीं करना चाहते वो तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा। अगर आपने कंसेंसस करना है, देखे 18 अमेंडमेंट में आपने देखा मेरे सूबे का नाम था जो 3 सूबों ने उसको 3 दफा पास करवाया था यूनानिमस।